हम लोग यहाँ से सही गांव से निकलकर बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर पे हम जा रहे हैं, बस आई या कुछ ही दूरी पर है। यहाँ की होली देखिए, ये सब रंग बिरंगे, ये देखिए सब रंग बिरंगे हैं। ये देखिए पूरी टोली आ रही है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए बांके बिहारी मंदिर कुछ ही दूरी पे, बस पार्किंग पर गाड़ी लगाएंगे और हम सीधे बांके बिहारी मंदिर में अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत बेहतरीन रहता है होली वाले दिन। यहाँ बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी ये लोग नहीं छोड़ते, बच्चे भी बड़े आनंद से यहाँ होली मनाते हैं। वृंदावन की होली का नज़ारा ही अलग है। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये टोली जा रही है। ये लोग लड़की अगर रोड पे आ रही हो, महिलाएं आ रही हैं, तो ये लोग उनको भी गुलाल रंग लगा देते हैं और कोई भी इनका इनकी बात का बुरा नहीं मानता। ये देखिए यहाँ काफ़ी यहाँ पर फॉरनर्स भी आते हैं जो देश विदेशों से यहाँ होली का आनंद लेते हैं। ये देखिए महिलाएं, ये देखिए सब अलग ही नज़ारा है। ये देखिए लगाया हम बांके बिहारी मंदिर आ चुके हैं और मोबाइल की तो हम ले जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत ख़राब स्थिति है। मतलब पानी भी डाल सकते हैं, पूरा भीग भी जाएगा और पानी से तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ लेडीज़ें किसी को छोड़ती भी नहीं है और मोबाइल नहीं ले जा रहे, तो हमने यहाँ तक का ब्लॉग बनाया है, बाकी हम दर्शन करने के बाद और बनाएंगे। ये लोग ये देखिए क्या गजब की होली है, देखिए सब महिलाएं और ये बाल्टियां ले लेंगे, ये देखो बाल्टियां ले लेके खड़े हुए हैं ये बच्चे, देखो ये नहीं छोड़ते किसी को। चलो 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 ये देखो रंग डाल दिया मैंने, थोड़ी ना आएंगे वृंदावन की होली। ये देखिए ये बाल गोपाल ये बाल्टियां भर भर के तैयार हैं। ये देखो ये होली का नजारा केवल वृंदावन में ही देखने को मिलता है। ये देखिए हमारी गाड़ी पे भी काफी कलर मलर डाल दिया इन लोगों ने। ये होली का नजारा केवल वृंदावन में ही देखने को मिलता है। ये देखिए हमारी गाड़ी पे भी काफी कलर मलर डाल दिया इन लोगों ने। ये देखिए अगर हमारी गाड़ी का कांच खुलाओ तो शायद ये पूरा कलर से ही गाड़ी भर दी जाए। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।